हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडी मॉम। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोवन फिश करी, जिसके लिए मैंने बहुत बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पर बिफोर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप और मैं कनेक्ट कर पाएँ, आप मेरी नई नई वीडियोज़ देख पाएँ। और इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं हेडॉक फिश फिलेट्स। आप कोई भी फिश फिलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर पर अवेलेबल हो। मैंने ली है 500 ग्राम्स ऑफ हेडॉक फिश फिलेट्स, जो कि है यहाँ पर, और धो लिया है, साफ़ कर लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ लेमन मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। ये देगी मिर्च है, ये ज़्यादा चिली नहीं होती है, आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर, और हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 1/2 आवर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 आवर भी रख सकते हैं। टर्मरिक जो रॉ स्मेल होती है फिश की वो हटाती है, इसलिए टर्मरिक ज़रूर डालें, मिस नहीं करें। अब अच्छे से हम लेप कर देंगे फिश के आगे पीछे, हाथ से कर लें। अगर आप स्पून यूज़ करना चाहते हैं आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। और मैरिनेशन के लिए हम रखेंगे अबाउट 1/2 आवर। मेरे पास कम टाइम है तो मैं 1/2 आवर के लिए ही रख रही हूँ। और करी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि है 1 टेबल स्पून। करी लीव्स मैं यूज़ करूँगी, ड्राइड वंस है मेरे पास, फ्रेश आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने स्लिट करके रख ली हैं। और ये झटपट मसाला है मेरा, जो कि मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, टर्मरिक 1/4 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट भी है। और जो ये मसाला है ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है इसकी रेसिपी। इससे हमारी जो रेसिपी होती है वो झटपट बन जाती है, क्योंकि ये मैं पहले से बनाकर रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे आगे जो रेसिपी बनानी होती है उसमें इजी हो जाता है। इन एन ओपन पैन अब मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल में डाल दिए हैं करी लीव्स, और उनको हम सॉटे करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स। और फिर मैंने डाल दिया है ग्रीन चिली, इसको भी सॉटे करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स। कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी सॉटे करेंगे फॉर अबाउट 1 मिनट। ऑन मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा तो हाई फ्लेम ना करें। अब डाल देंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, अब जो मैंने मसाला पहले से बनाकर रख रखा है ये भी डाल देंगे। प्लीज कमेंट करिए अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए है तो। कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, गरम मसाला भी डाल रहे हैं, फिर से मिक्स करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम ही। ध्यान रहे अगर आपका मसाला चिपकने लगे तो आप पानी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है अभी। 1/2 कप से लेकर 3/4 कप ऑफ वाटर मैंने डाला है। अब हम सिमर होने के लिए रख देंगे ढककर फॉर अबाउट 15 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। और अब एक मैंने पैन में ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, जिसके अंदर हम अपनी मैरिनेटेड फिश को है रख देंगे, और 2 मिनट्स ईच साइड पर पकाएंगे, क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है, इसलिए ज़्यादा देर ना पकाएं, आपकी फ़िश टूट जाएगी। जो मैंने फिलेट्स लिए हैं ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये भी आप देखेंगे पलटते पलटते टूट गए, तो आफ्टर 2 मिनट्स पलट दिया। 1 साइड से पकने के बाद 2 मिनट्स तक, अब दूसरी साइड से पकाएंगे 2 मिनट्स तक। अब यहाँ पर हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है, अब इसके अंदर अपनी फ़िश को डाल देंगे। हाई फ्लेम पर आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने फ़िश को ज़्यादा नहीं पकाना, और ग्रेवी हमारी ऑलरेडी पक चुकी है। और यहाँ पर हमने सारे फिलेट्स डाल दिए, और ये देखिए हमारी फ़िश करी जो है तैयार है, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। आप पानी की जगह कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। तो आई रियली होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। और हम गार्निश कर रहे हैं कोरिएंडर के साथ, फ्रेश कोरिएंडर का बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है, तो प्लीज़ इसको मिस ना करें। आई रियली होप दैट यू लाइक माय रेसिपी। इफ़ यू लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लीव अ कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।